प्रतिज्ञा को देश। आखिर में अब वो समय आ गई इसकी इसराइली लोग प्रतिज्ञा के देश कनान में जा सके। वो देश में यरीहो नाम को एक शहर होती, ओके सुरक्षा के गुना, ओके चारे की ना मजबूत दीवाल नाउन होती। यहोशु ने वो शहर में दो भेद लेने वाले को भेजी। वह शहर में राहब नाम की एक वेश्या रहत होती, ओने हिन भेद लेने वाले को अपने घर में लुकाई और बाद में ओने उनको वो शहर से बच के निकलन में मदद करी। ओने असो एके गुना करी काया कि वह परमेश्वर पे विश्वास करत होती। जो समय इसराइली लोग यरीहो शहर को नाश करे तब उनने राहब और ओके परिवार की रक्षा करन की प्रतिज्ञा करे होती। इसराइली लोग ना उनको प्रतिज्ञा के देश में जान के गुना यर्दन नदी पार करनो होती। परमेश्वर ने यहोशू से कही याजक नाउन को पहले जान दे। जब याजक नाउन ने यर्दन नदी में अपने पाय को रखीन तो पानी की धारा बहनो बंद हो गई, जेके से इसराइली लोग नदी के दूसरे किना सूखी जगह के किना जा सके। ही लोग नाउन ने यर्दन नदी को पार कर लेन तो परमेश्वर ने यहोशू से कही कि यरीहो शहर पे हमला करन के गुना तैयार रहो, मगर हु शहर बहुत ताकतवर होतीस। परमेश्वर ने ही लोग नाउन से कहिस कि उनके याजक नाउन और सैनिक नाउन को 6 दिन तक हु शहर के चारे किना चक्कर लगानो है। एके गुना याजक नाउन और सैनिक नाउन ने असो करीन। जब 7वें दिन इसराइली लोग नाउन ने हु शहर के चारे किना 7 बार और चक्कर लगाइन, उनके शहर के चारे किना 7वें बार चक्कर लगान के बाद याजक नाउन ने अपनी तुरही नाउन को हुकीन और सैनिक नाउन ने जोरदार आवाज करीन। तब यरीहो शहर के चारे किना की दीवार गिर गई, जसो परमेश्वर ने आज्ञा दे होतीस। इसराइली लोग नाउन ने शहर की हर एक चीज को नाश कर देन, उनने सिर्फ राहब और ओके परिवार को छोड़ देन, जो इसराइली नाउन को हिस्सा बन गए होतीस। जब कनान देश में रहन वाले दूसरे लोग नाउन ने सुनिन कि इसराइली लोग नाउन ने यरीहो शहर को नाश कर देन है, तो ही लोग डर गईन, काया कि इसराइली लोग उनके पे भी हमला करे। परमेश्वर ने इसराइली लोग नाउन को आज्ञा देश की कनान देश में रहन वाली कोई भी जाति के संग शांति को मेल मिलाप नहीं करने, पर गिबोनी नाउन नाम की एक कनानी जाति से यहोशू से झूठ बोलिन कि ही कनान से दूर एक जागा के रहन वाले आए। उनने यहोशू से उनके संग शांति को मेल मिलाप करन की विनती करीन। यहोशू और दूसरे इजरायली अगुआ नाउन ने परमेश्वर से नी पूछिन कि उनको का करे पाइजे। एके बजाय उनने गिबोनी लोग नाउन के संग शांति को मेल मिलाप कर लेन। 3 दिन बाद इसराइली नाउन को मालूम भईस कि गिबोनी लोग कनान देश में रहतत, ही गुस्सा भय गईन, काया कि गिबोनी लोग नाउन ने उनको धोखा दे होतीन, पर उनने उनके संग करी गई वह शांति की वाचा को बनाई के रखीन, काया कि वह परमेश्वर के सामूर करे गई होती। फिर कुछ समय के बाद कनान में रहन वाली एक दूसरी जाति एमोरी नाउन के राजा नाउन ने सुनिन कि गिबोनी नाउन ने इसराइली नाउन के संग शांति की वाचा बांध लीन है। एके गुना हुन ने अपनी अपनी सेना नाउन को एक एक करके एक बड़ी सेना बनाईन और गिबोनी नाउन पे हमला कर देन। गिबोनी नाउन ने हुन की मदद करन के गुना यहोशू के जवर एक खबर भेजीन। एके गुना यहोशू ने इसराइली नाउन की सेना को जमा करीस और गिबोनी नाउन के जवर जान के गुना ही पूरी रात चलिन। सबेरे पहिटिया को हुन ने एमोरी लोग नाउन की सेना को चकित कर देन और हुन पे हमला कर देन। वादिन परमेश्वर इसराइली लोग नाउन के गुना लड़ीस।
उन्हें एमोरी लोग ना उनको घबरा देस और उन्हें बड़ी बड़ी गार पीटी गिड़ा के कई एमोरी लोग ना उनको मार डालीस। परमेश्वर ने सूरज को भी आकाश में एक जगह पे रुका देस ताकि इसराइली ना उनको काफी समय मिल जाए कि एमोरी लोग ना उनको पूरे तरीका से हरा दे। वह दिन परमेश्वर ने इसराइली ना उनके गुना एक बड़ी विजय पाई। जब परमेश्वर ने ही सेना ना उनको हरान के बाद बहुत सी कनानी जाति के लोग इसराइल पे हमला करने के गुना जमा भइन, तब यहोशू और इसराइली लोग ना उन ने हमला करके उनको सत्यानाश कर दिन। इन लड़ाई के बाद परमेश्वर ने इसराइल के हर एक गोत्र को प्रतिज्ञा के वा देश में उनको एक एक हिस्सा देस। तब परमेश्वर ने इसराइल को ओकी सप्पाई सीमा ना उनको शांति देस। जब यहोशू बुड़गो भय गईस तो उन्हें इसराइल के सप्पाई लोग ना उनको एक संग मिलाए के बुलाईस। फिर यहोशू ने ही लोग ना उनको याद दिलाईस कि उनने वा वाचा को पालन करण की प्रतिज्ञा करे होतीन जो परमेश्वर ने उनके संग सीने पहाड़ी पे बांधे होतीस। ही लोग ना उनने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहन और ओकी व्यवस्था ना उनको पालन करण को वादा करी।